हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनजी फैशन स्टाइल फेमिनिस्ट का ना आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये लुक। ये सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक है जो मैंने खुद क्रिएट किया है, तो वीडियो को फुल ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। तो ज़्यादा बातें न करते हुए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए वैसलीन बॉडी लोशन का यूज़ करी हूँ एज ए मॉइस्चराइज़र। काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र आपके स्किन से ड्राइनेस दूर करता है, आपके मेकअप को भी जो है एक अच्छा मॉइस्चर देता है ताकि आपका मेकअप ड्राई ना हो। एंड यहाँ पे प्राइमर के लिए हिलारूडा का 18 आवर लॉन्ग लास्टिंग प्राइमर का यूज़ करी हूँ। ये प्राइमर बहुत ही अच्छा है, आपके पोर्स को ब्लर कर देता है, आपकी स्किन को ब्लर कर देता है, आपके फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे फाउंडेशन के लिए भी यहाँ पे मैं NYBay का लिक्विड फाउंडेशन का यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने पर्पल से मंगवाया था, काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, इसका कवरेज भी अच्छा है क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो इसका कवरेज आप देख ही सकते हैं। इसको मैं ब्रश के हेल्प से अपने फेस पर ब्लेंड कर रही हूँ, ईजिली ये ब्लेंड आउट हो जाता है, स्किन पर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, ये बिल्कुल भी क्योंकि आप पैची नहीं लगता है अगर आपकी स्किन ड्राई है। तो आप ये लिक्विड फाउंडेशन NYBay का ज़रूर ट्राई करके देखिएगा गाइस, इट्स रियली रियली ऑसम। मुझे इसका कवरेज भी बहुत अच्छा लगा है और लिक्विड है तो बहुत ही अच्छा है ड्राई स्किन वालों के लिए, क्योंकि मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इसलिए मेरे लिए भी लिक्विड फाउंडेशन ज़्यादा बेस्ट है। एंड नेक्स्ट यहाँ अपने फेस को सेट करने के लिए NYBay का कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। डैब डैब करके अपने फेस पे पूरे पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो मेरा फाउंडेशन है वो बिल्कुल भी स्वेट ना हो, क्योंकि समर्स चल रहा है, समर्स में बहुत ज़्यादा पसीना आता है फेस पे, तो इसको अच्छे से मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट का यूज़ किया है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कंसीलर के लिए मैं हिलारूडा का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये एक ब्रश कंसीलर है, काफ़ी अच्छा कवरेज देता है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। आप एक बार ज़रूर इस कंसीलर को ट्राई करके देखिए गाइस, ये मिनी कंसीलर है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। साथ में ही यहाँ पे मैं कॉन्ट्योरिंग भी करती चलूँगी, तो हाईलाइटिंग और कॉन्ट्योरिंग दोनों ही साथ में मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे NYBay का कॉन्ट्योरिंग स्टिक मैंने लिया है, फाउंडेशन और कॉन्ट्योरिंग स्टिक 2-in-1 है ये, तो ये डार्क शेड है तो इससे मैं कॉन्ट्योर कर रही हूँ। एंड इसको हाईलाइटिंग को सबसे पहले मैंने यहाँ पर ब्लेंड आउट करूँगी ब्लेंडिंग स्पॉन्ज से। एंड यहाँ पे अच्छे ईजिली ब्लेंड करते हैं डैबिंग मोशन में, और जो माउथ एरिया है वहाँ पे भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया है क्योंकि माउथ एरिया पे ब्लैक ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्ट्योर को मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ, तो ईजी यहाँ पे ब्लेंड हो रहा है। NYBay की ये जो कॉन्ट्योरिंग स्टिक है गाइज, ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है इसको ब्लेंड करने में, और इसका जो लाइंस वगैरह से हार्श लाइंस वगैरह कुछ नहीं दिखती हैं। हाँ, यहाँ पर नोज़ को कॉन्ट्योर करने के लिए यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करी हूँ, ईजिली ब्लेंड हो जाती है, ब्रश की हेल्प से यहाँ पे ब्लेंड नहीं कर सकते, काफ़ी यहाँ पे पतला एरिया होता है, तो यहाँ पे इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर रही हूँ। काफ़ी अच्छे से मेरी नोज़ जो है शार्प हो गई है। एंड कंसीलर को अच्छे से सेट करने के लिए NYBay का कॉम्पैक्ट का ही यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो मेरा कंसीलर है वो बिल्कुल उस पर कोई भी क्रीज लाइन वगैरह ना आए और जो मेरा कंसीलर है वो अच्छे से मेरी स्किन में सेट हो जाए। एंड यहाँ पे आईब्रोज के लिए NYBay की आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छी पेंसिल है, ब्राउन शेड है इसका, जो मेरी जो आईब्रोज का कलर है वो भी ब्राउन है, तो ईजिली ये जो है मिक्स हो जाती है मेरी आईब्रोज पे और बिल्कुल भी मुझे दिक्कत नहीं होती है। अगर आप चाहें तो आईब्रो पिगमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे मैं स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज को शार्प करी हूँ, नीट करी हूँ, ताकि जो मेरी आईब्रोज हैं वो अच्छे से कॉम्ब हो जाए और बिल्कुल जो है नेचुरल दिखें। एंड नेक्स्ट आई शेडो के लिए यहाँ पर मैं NYBay लिपस्टिक का न्यूड शेड है जो कि उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ और फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर रही हूँ, तो ये मुझे आई शेडो से ज़्यादा बेस्ट लगता है कि लिपस्टिक का यूज़ करें, क्योंकि जो लिपस्टिक आप अपने लिप्स पर अप्लाई करेंगे उसका हल्का शेड जो है अपनी आईलेट पर अप्लाई कर लेंगे तो बहुत आसानी से और जल्दी आपका मेकअप कम्प्लीट हो जाता है। एंड यहाँ पर जैकलिन हिल पैलेट का जो पिंक शेड है मैं उसको अपनी आईलेट पर अप्लाई कर रही हूँ, जो मैंने लिपस्टिक अपने आईलेट पे अप्लाई की तो उसके ऊपर ही, ताकि जो है जो कि आईलेट है मेरी अच्छी लगे और शार्प दिखे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आईब्रो को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मैं जैकलिन हिल पैलेट का जो शैम्पिंग शेड है उसको मैं ब्राउ बोन पे अप्लाई करी हूँ और जो आई का कॉर्नर है एरिया है वहाँ पे भी अप्लाई करी हूँ, ताकि जो है मेरी आईज जो है हाईलाइट हो जाए। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आईलाइनर के लिए लिक्विड आईलाइनर NYBay का मैं अप्लाई करी हूँ, काफ़ी अच्छा आईलाइनर है ये, ईजिली आपके आईलेट पे अप्लाई हो जाता है
है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। अगर आप मेकअप में बिगनर्स हैं तो आप ये वाला लाइनर ज़रूर ट्राई करके देखिए। इसके ब्रश भी बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ही हार्ड नहीं है, बिल्कुल ईजिली अप्लाई हो जाता है आपके आईलिड पे, और बिल्कुल भी ये जो है एक वाटर प्रूफ आपको आईलाइनर देता है। इतनी कम प्राइस में ये आईलाइनर मुझे मिला है। एंड यहाँ पे मिस क्लेयर की वाइट काजल का यूज़ करी हूँ मैं, अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करी हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लैक काजल का यूज़ नहीं किया है, काफ़ी अच्छा ये मुझे काजल लगा है, काफ़ी पिगमेंटेड है। वरना ज़्यादातर जो काजल होते हैं वो लोकल होते हैं और जो है कि आपकी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे जो है पानी वगैरह रहता है आँख में, तो ये इसलिए अप्लाई हो जाता है। तो आप देख ही सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने अपनी चार्मिंग जो लैशेस है वो अप्लाई कर ली हैं। एंड यहाँ पे ब्लशर के लिए मैंने किस ब्यूटी का ब्लशर यूज़ करी हूँ, मैट ब्लशर शेड्स हैं इसके, सारे शेड्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये मेरे फेवरेट ब्लशर पैलेट है किस ब्यूटी की, क्योंकि इसमें सारे शेड ब्लशर पिंक है और जो लाइट टू डार्क शेड है, अगर आपको जो भी पसंद आता है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हाईलाइटिंग के लिए यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का ये अपना ये ब्रॉन्जर और प्लस हाईलाइटिंग पैलेट यूज़ किया है। इसको मैं अपने चीक्स पे और नोज पे अप्लाई करी हूँ, ईजली ये ब्लेंड हो जाता है और बिल्कुल भी जो है बेकार नहीं लगता है फेस पे, और को बिल्कुल नेचुरल लुक लगता है और ग्लोई लगता है आपका मेकअप। एंड नेक्स्ट यहाँ पे लिपस्टिक के लिए NYBA की न्यू शेड लिपस्टिक का अप्लाई कर रही हूँ अपनी लिप्स पर, इजली बहुत ही अच्छी और बहुत ही ये जो है सुपर सुपर लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिपस्टिक जो है ग्लास या कप वगैरह पर ना लगे तो आप ये वाली लिपस्टिक ज़रूर ट्राई करके देखिए। एंड मेकअप को अपने लॉक करने के लिए है मालियो का मेकअप फिक्सर का यूज़ कर रही हूँ। एंड मस्कारा के लिए यहाँ पे मैं अपनी स्विस ब्यूटी का मस्कारा अपनी लैशेस पे अप्लाई कर रही हूँ, जो लोअर लैशेस हैं उस पे। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा और कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है मेरा मेकअप। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप सो कि वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।